तो गाइस आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ जो कि मतलब कीबोर्ड माउस से हम लोग यहाँ पे गेम प्ले करते हैं ऐप से, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो में सारे ऐप के बारे में बताने वाला हूँ आप लोगों ने। यार यहाँ पे थंबनेल तो देख ही लिया होगा, ठीक है, यहाँ पे कितने सारे ऐप थे, तो गाइस मैं सबके बारे में बताने वाला हूँ आप लोगों को, मतलब ठीक है। मैंने सोचा यार इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए, मतलब जो कि कीबोर्ड माउस का ऐप है ना, जो कि ऑल ऐप के ऊपर, ठीक है। तो गाइस यार ये वीडियो बनाने में तो मेरे को मेहनत नहीं लगा, थंबनेल बनाने में मेरे को बहुत ही मेहनत लग गया, ठीक है। तो यार आप लोग, यार थंबनेल यार आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा और लाइक कर देना, ठीक है। तो चलो फिर यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट होने से पहले ये आप लोग चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ऑन कर दो। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम लोग यहाँ पे पहले नंबर पे ऐप के बारे में बात करते हैं। गाइस मेरे को भी नहीं पता चल रहा है मैं कौन सा ऐप के बारे में बताऊँ, इतने सारे ऐप है। गाइस पहले नंबर पे हम लोग यार यहाँ पे बात करते हैं KU गेमर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कौन सा एप्लीकेशन कैसा दिखता है, ठीक है। आप लोग को डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर से कर लेना, ठीक है। जो कि हम लोग बात करने वाले हैं KU गेमर के ऊपर, ठीक है। अब जो कि KU गेमर में गाइस आप लोग कैसे यहाँ पे गेम प्ले कर सकते हो मैं आप लोग को बता देता हूँ। KU गेमर को भाई आप लोग को मतलब खेलने के लिए KU गेमर से, KU गेमर में पहले बता देता हूँ आप लोग को यहाँ पे मैक्रो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और KU गेमर से आप लोग को गेम प्ले करना है तो गाइस आप लोग को यहाँ पे डिवाइस चाहिए होगा। आप डिवाइस कौन सा चाहिए, मिक्स प्रो चाहिए, ठीक है। तो गाइस आप लोग को KU गेमर से गेम प्ले करना है तो डिवाइस चाहिए मिक्स प्रो, खरीद लेना, फिर आप लोग का गेम प्ले हो जाएगा। इसमें आईडी बैंड बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। चलते हैं फिर दूसरे ऐप के ऊपर। तो गाइस इसके बाद हम लोग बात करते हैं गीक गेमर की। गीक गेमर गाइस आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, गाइस आप लोग को प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे गाइस गीक गेमर से आप लोग को गेम प्ले करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, जो गाइस मैंने शुरू में बोला था डिवाइस चाहिए मिक्स प्रो, गाइस वही वाला आप लोग यहाँ पे लोगों तो गाइस आप लोग का गेम प्ले हो जाएगा आराम से, ठीक है। ये गाइस एक डिवाइस और बहुत सारे ऐप से गेम प्ले करा देता है, ठीक है। चलते हैं अब दूसरे ऐप के ऊपर। तो गाइस अभी मैं डिवाइस वाला ऐप के ऊपर बात कर रहा हूँ, इसके बाद गाइस मैं नॉर्मल वाला ऐप के ऊपर भी बात करने वाला हूँ, ठीक है। अब जो कि दूसरा हमारा गेम है जिसका नाम है शूटिंग प्लस V3, ठीक है। गाइस शायद यही नाम है, शूटिंग प्लस V3 यहाँ। तो गाइस इस मतलब जो कि शूटिंग प्लस V3 है, इससे गेम प्ले करने के लिए गाइस आप लोग को कुछ अलग ही डिवाइस चाहिए, ठीक है। उस डिवाइस का नाम मैं बता देता हूँ आप लोग को, अमेजोन पर जाना है, सर्च मारना है। तो गाइस यहाँ पर ये होगा P5 कीबोर्ड माउस कन्वर्टर होगा, नहीं तो F5 कीबोर्ड माउस कन्वर्टर होगा, ठीक है। आप लोग मेरे को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, आप लोग यहाँ पर दोनों में से कुछ भी सर्च मार के देख लेना, P5 गेमिंग कीबोर्ड माउस कन्वर्टर या F5 गेमिंग कीबोर्ड माउस कन्वर्टर, ठीक है। इन दोनों में से एक आप लोग सर्च मार के देख लेना, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे ऐप के ऊपर। इसमें भी आप लोग का आईडी बैंड नहीं होने वाला, ठीक है। जो कि गैस हमारा अगला ऐप है फ्लाइट GQ1, गैस मैं इसके ऊपर क्या ही बात करूँ, गैस आप लोग को तो पता ही है फ्लाइट GQ1 कैसा है, ठीक है। तो गैस मैं बता देता हूँ, जब भी जो नए प्लेयर है फ्लाइट GQ1 से आप लोग को गेम प्ले करने के लिए चाहिए होगा डिवाइस। अभी डिवाइस कहाँ से मिलेगा आप लोग को, मतलब अमेजोन पर जाना है, अमेजोन पर सर्च मारना है फ्लाइट GQ1, वहाँ पर जाके गैस आप लोग को ये खरीद लेना है। फिर आप लोग फ्लाइट GQ1 को ऐप को डाउनलोड करो, आराम से यहाँ पे गेम प्ले करो बिना एक्टिवेशन के, ठीक है। चलो फिर चलते हैं अगले ऐप के ऊपर। तो गाइस इसके बाद आता है हमारा अगला ऐप K10 टूल, ठीक है। K10 टूल के लिए भाई आप लोग को डिवाइस चाहिए होगा। आप डिवाइस कौन सा चाहिए, जो कि गाइस मैंने शुरू में बोला था मिक्स प्रो, आप लोग के पास मिक्स प्रो है तो गाइस आप लोग यहाँ पे K10 टूल से आराम से यहाँ पे गेम प्ले कर सकते हो, ठीक है। एक डिवाइस 3 एप्लीकेशन से आराम से आप लोग यहाँ पे गेम प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो चलो फिर चलते हैं अगले ऐप के ऊपर। गाइस मैं जल्दी जल्दी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यार यहाँ पे वीडियो में ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहता, ठीक है। आप लोगों का खामा खामे टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो फिर दूसरे ऐप के ऊपर चलते हैं। शायद से गैस अब यहाँ पे जो कि क्या कहते हैं डिवाइस वाले ऐप शायद गैस हो गए खत्म, मेरे हिसाब से इतने ही थे। गैस आप लोग को और कोई सा पता है तो कमेंट में भी बताना, ठीक है। डिवाइस वाला ऐप गैस अब हम लोग बात करते हैं ऑफलाइन ऐप के ऊपर, ठीक है। चलो तो गैस ऑफलाइन ऐप के ऊपर गैस हम लोग सबसे पहले बात करते हैं ऑक्टोपस ऐप। तो गैस ऑक्टोपस ऐप से गैस आप लोग बिना एक्टिवेशन के यहाँ पे गेम प्ले कर सकते हो। और तो गैस यहाँ पे ऑक्टोपस ऐप में आईडी बैंड होने का खतरा है, तो अपना रियल आईडी ऑन मत करना, ठीक है। तो गैस यहाँ पे ऑक्टोपस गैस आप लोग को प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड फ्री में कर सकते हो और बिना किसी एक्टिवेशन के खेल सकते हो, ठीक है। चलते हैं फिर दूसरे ऐप के ऊपर। जो कि गैस यहाँ पे हमारा दूसरा ऐप आता है मेंटिस माउस प्रो। मेंटिस माउस प्रो में गैस क्या ये एंड्रॉइड 12 के लिए बना था। अगर गैस आप लोग का एंड्रॉइड 12 है, आप लोगों में पाना माउस प्रो वर्क नहीं करता, तो आप लोग यहाँ पे मेंटिस माउस प्रो से गेम प्ले कर सकते हो। इसको एक्टिवेशन करना बहुत ही आसान है, ठीक है। आप लोग को इसको एक्टिवेशन में जाना है, गैस ऑप्शन दे रखा है क्या क्या दबाना है, गैस आप लोग का ऑटोमेटिक एक्टिवेशन हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग दूसरे ऐप के ऊपर। गैस ये मेंटिस माउस प्रो में आप लोग का आईडी बैंड नहीं होने वाला, ठीक है। चलो फिर अगले ऐप के ऊपर। जो कि गैस हमारा अगला ऐप आता है गैस MSI, ठीक है। अभी गैस ये MSI क्या है, पांडा माउस प्रो का ये एक वर्जन है, ठीक है, MSI ऐप। तो गैस आप लोगों को क्या करना है, MSI ऐप से गेम प्ले करना है, तो गैस आप लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ना, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दूंगा आप लोग का MSI ऐप का। तो गैस आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके आराम से यहाँ पे MSI ऐप से भी गेम प्ले कर सकते हो, ठीक है। MSI ऐप को एक्टिवेशन कैसे करना है, जैसे पांडा माउस प्रो का एक्टिवेशन करते हैं बिल्कुल सेम ऐसा ही करना है, ठीक है। चलो फिर चलते दूसरे ऐप के ऊपर। तो गैस इसके बाद हम लोग बात करते हैं पांडा माउस प्रो का। ये MSI जो मैंने बोला, ये पांडा माउस प्रो, ये दोनों का दोनों पूरा सेम है,
में बस यार जो कि बैनर बदल दिया, ठीक है, पूरा का पूरा सेम ही है। और भी गैस ऐप है जो कि पानामोस प्रो के जैसे ये पूरा का पूरा सेम, गैस वो वाला ऐप मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा सारे ऐपों का, ठीक है, आप लोग जाके खेल लेना और देख लेना कैसे कैसे ऐप है, ठीक है। तो गैस मैं वही बताऊँगा, पानामोस प्रो ही है बस, उसका मतलब बैनर चेंज कर दिया, वही आप लोग को मैं बताता रहूँ। MSI ऐप, स्मार्ट गागा हो गया, ब्लू स्टैक ऐप हो गया, ठीक है, और LD प्लेयर हो गया, MSI हो गया, मतलब टाइम वेस्ट है यार पूरा का पूरा, ठीक है। तो कैसे आप लोग बताना ये आप लोग को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो कैसे मैंने 2 या 3 आप लोग को ऑफलाइन ऐप बताया जो कि बिना डिवाइस के चलते, पानामोस प्रो हो गया और जो कि क्या कहते हैं मेंटिस माउस प्रो हो गया, और गैस एक ये ऑक्टोपस ऐप में ID बैन हो सकता है, रियल ID ऑन मत करना, ठीक है। और जो कि गैस ये पानामोस प्रो का ही वर्जन है गैस, इन सबका मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दिया, ठीक है, आप लोग चाहे तो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर बाय।